एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें सभी दिशाओं में किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, आजकल अधिकतर घर वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार ही बनते हैं और भारतीय वास्तुशास्त्र संपूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करती है। यदि घर में वातावरण सकारात्मक है तो घर में सभी कार्यों में सभी सदस्यों को सफलता मिलती है और धन संबंधित काफ़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि घर में कोई चीज़ वास्तुशास्त्र के नियम के विरुद्ध में है, विपरीत है, तो वह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है और घर में अलग अलग प्रकार की असुविधा का अनुभव होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार किस बातों का ख्याल रखना चाहिए। ईशान दिशाओं में देवी शक्तियों का संचार होता है, इसलिए यहाँ पर मंदिर रखना अति शुभ माना गया है। इस जगह की नियमित रूप से साफ सफाई अवश्य होनी चाहिए और ईशान कोण में, ईशान दिशा में मंदिर के उपरांत या मंदिर के साथ आप पानी से संबंधित कोई उपकरण भी रख सकते हो। एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए, घर की किसी भी अविवाहित स्त्री को ईशान कोण में नहीं सोना चाहिए। यदि कोई भी अविवाहित स्त्री ईशान कोण में सोती है तो उसके विवाह में विलंब होता है और उसके स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या या बीमारी की भी संभावना बढ़ जाती है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, ईशान कोण में कभी भी टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए और कोई भी भारी चीज़ या ऐसी चीज़ जिसका आप नियमित रूप से उपयोग नहीं कर रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ आपको ईशान कोण में नहीं रखनी चाहिए। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।